क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तकरीबन 40 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद आज भी हम ये एवरग्रीन गाना देखते या सुनते हैं तो जहन में बस एक सवाल उठता है। हम सोचते हैं कि इतने खूबसूरत गाने को जिस पर फिल्माया गया था वो तारिक खान जो कोई सुपरस्टार नहीं थे, पर फिर भी इनकी शख्सियत आज भी जिंदा है। तो चलिए इस बेहतरीन एक्टर की कहानी सुनाती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त एंकर भैरवी मामनिया। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। तारिक खान के इतिहास की बात की जाए तो इनके खानदान से जुड़े कई सारे कलाकार उस जमाने में भी मशहूर थे और आज के ज़माने में भी इनके परिवार के लोग फिल्म जगत पर राज करते हैं। तारिक खान के पिताजी का नाम था अजहर अली खान और माताजी का नाम था अनीस हुसैन। अनीस प्रसिद्ध फिल्मकार नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन की छोटी बहन थी। अनीस के दूसरे भाई ताहिर हुसैन के बेटे आमिर खान तारिक के कज़िन भाई है और अभी मैं जो बात बताने वाली हूँ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तारिक खान और आमिर खान के सभी पूर्वज महान क्रांतिकारक और स्वतंत्र सेनानी मौलाना कलाम आज़ाद के वंशज हैं। 9 नवंबर 1991 को फिल्मकारों के खानदान में तारिक अली खान का जन्म हुआ था। ज़्यादातर समय मुंबई में गुजरा पर उनका जन्म लखनऊ में हुआ और बचपन कोलकाता में गुजरा था। उस दौरान उनके पिताजी बाटा कंपनी में काम किया करते थे। बाकी बच्चों की तरह तारिक पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। उनके माँ की इच्छा थी कि तारिक बड़े होकर व्यावसायिक या पॉलिटिशियन बने या फिर कम से कम डॉक्टर तो बने, पर तारिक को इन सभी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। शायद वे जानते थे कि उनके मामा नासिर हुसैन इस बात में उनकी मदद करेंगे। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वे मुंबई आए और आरडी नेशनल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मुंबई में तारिक अपने माँ के साथ मामा के घर रहते थे। नासिर हुसैन को जब पता चला कि उनका भांजा एक्टर बनना चाहता है तब उन्होंने तुरंत ही उसे पुणे के FTII फिल्म इंस्टीट्यूट में भेज दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद जब उनके कॉलेज का पहला दिन आया तब उनके साथ बहुत अजीब हादसा हुआ। ये सुनकर आपकी हंसी ही छूट जाएगी। कॉलेज के पुरानी महिला छात्राओं ने उनको छेड़ दिया, जिसे कुछ लोग रैगिंग भी कहते हैं। दरअसल तारिक खान ऊंचे कद वाला ताकतवर मिजाज वाले इंसान थे, पर फिर भी लड़कियों के सामने वो टिक नहीं पाए। जब लड़कियों का ग्रुप उनके तरफ आने लगा तब उन्होंने कॉलेज से भाग जाना ही मुनासिब समझा। उन्होंने देखा कि कॉलेज के अन्य लड़के लड़कियां उन पर हंस रहे थे, इसलिए वे कभी FTII में वापस नहीं गए। वो ज़माना था 1970 का। पर तारिक खान ने सोचा कि किसी भी हालत में उन्हें एक्टिंग की पाठ लेनी ही है, इसीलिए मुंबई के मशहूर स्टूडियो फिल्मालया के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए। तो इस तरह उनकी एक्टिंग की पाठशाला शुरू हुई। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये भी थी कि नासिर हुसैन ने तारिक को अपने खुद के अंदाज में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। नासिर साहब ने उन्हें फिल्म मेकिंग के सारे एस्पेक्ट्स सिखा दिए। साथ ही उन्हें ये भी कहा गया कि एक्टिंग के साथ फिजिकल लुक भी सही होना चाहिए। नासिर उन्हें कहते कि अगर खूबसूरत दिखोगे तभी तुम्हें कोई फिल्मकार अपने फिल्म में लेगा। इसके अलावा नासिर साहब के असिस्टेंट ने तारिक को आवाज़ को लेकर गंभीर रहने को भी सिखाया था। ये जानकारी पता चलने के बाद
आपको लगा होगा कि अन्य लोगों ने तारिक खान को एक बड़ा मेगास्टार बनने की पूरी ट्रेनिंग दी थी, पर परिस्थितियां कोई भी हो, किसी इंसान को फिल्म जगत में कामयाब होने के लिए थोड़ी किस्मत की भी आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं तारिक खान को किस्मत का आधार मिल नहीं पाया। कुछ साल गुजर जाने के बाद वो समय आ गया जब नासिर हुसैन बिग बजट फिल्म बना रहे थे। 1973 में रिलीज हुई इस फिल्म में सदी के महान एक्टर धर्मेंद्र साहब थे। इसके अलावा विजय अरोरा साहब और जीनत अमान तथा नीतू सी जैसी अभिनेत्रियां भी थी, और साथ ही साथ अजीत साहब ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में तारिक खान न्यू कमर के रूप में आए थे, पर फिल्म के रिलीज के बाद खबर आने लगी कि फिल्म जगत को तारिक खान के रूप में नया स्टार मिल गया है। इसका पूरा श्रेय नासिर हुसैन को दिया गया था। 1973 के बाद तारिक जैसे खूबसूरत अभिनेता को सभी फिल्मकार अपने अपने फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, पर यहाँ उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर ली। वे नासिर हुसैन के अलावा अन्य किसी भी फिल्मकार के साथ काम करना नहीं चाहते थे। वो जमाना ऐसा था जहां गली गली में तारिक खान के गाने गुनगुनाए जाते थे, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, या फिर यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे, और आपके कमरे में कोई रहता है हम नहीं कहते जमाना कहता है, इन गानों ने धूम मचा दी थी। इसके बाद उन्होंने 1975 की फिल्म जख्मी में भी काम किया, जो उनकी लगातार दूसरी हिट फिल्म थी। इसके बाद फिर से नासिर हुसैन की हम किसी से कम नम नहीं फिल्म रिलीज हुई। 1977 की इस फिल्म के बदौलत उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। क्या हुआ तेरा वादा, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, इन गानों की बदौलत 1977 का साल भी प्रसिद्ध रहा। पर 1977 के बाद उनके साथ फिल्मों को लेकर कुछ अच्छा नहीं हुआ। यूं कह लीजिए कि 1973 की ये रोशनी 1977 के बाद फीकी पड़ गई। आने वाली फिल्में फ्लॉप होने लगी और इस खूबसूरत एक्टर की नैया भी डूबने लगी। वे अपने करियर को लेकर चिंतित रहने लगे और एकाएकी उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। पर अपने रिश्तेदारों की फिल्मों में वे छोटे मोटे रोल करते हुए दिखते रहे। फिल्मों को छोड़ने के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब वे कहते हैं, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी भावना के कारण मैंने सोचा कि मुझे ऑफिस जॉब की ज़रूरत है, जिससे मुझे मासिक पगार मिलती रहे। साथ ही मुझे लगा कि मैं करियर के उस पड़ाव पर पहुंच गया हूं, जहां मुझे व्यावसायिक बदलाव का विकल्प चुनना था। इसलिए मैंने ट्रैवल टिकटिंग एंड कार्गो फॉरवर्डिंग में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। इसके बाद तारिक खान ने साधारण काम करना ही ठीक समझा और 1991 में उन्होंने शादी कर ली। तारिक खान आज एक जानी मानी शिपमेंट कंपनी में सुपरवाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। साल 2009 में दिए गए एक इंटरव्यू में तारिक बताते हैं कि मैं अब किसी भी इवेंट में शामिल नहीं होता, मैंने खुद को फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया है, मेरा दामाद मेरी आखिरी फिल्म थी, मुझे आज भी फिल्मों के ऑफर मिलते हैं लेकिन मैं अब कैमरा फेस नहीं करना चाहता। अगर गहराई के साथ सोचा जाए तो उनकी ये बात सही थी, क्योंकि फिल्म जगत में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने समय में सुपरहिट फिल्में दी थी, पर आज उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। ऐसे में अगर तारिक खान की बात की जाए तो उनका मानना सही था।